हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड दिस इज वीरेन। आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यूजुअली जो भी फ्रेशर्स है या जो भी कोई है, कोई भी कंपनी ज्वाइन कर रहा है, चाहे वो TCS हो या कोई भी और, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कौन से प्रोजेक्ट लेने चाहिए या कौन से प्रोजेक्ट नहीं लेने चाहिए। तो प्रोजेक्ट रिलेटेड बहुत सारी क्यूरीज रहती है। अगर आपके मन में भी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले जब हम कोई भी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं या TCS की बात कर ले, तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल होता है कि हमें डेवलपमेंट पोर्शन तो होना ही चाहिए। हम लोगों के मन में एक पहले से एक प्री कंसेप्शन बना रहता है कि डेवलपमेंट करना है, बिना ये सोचे कि हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारे गोल्स क्या है। अगर आप TCS में कोई भी प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं, उससे पहले आपको बहुत बेसिक चीजें पहले से पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट कौन से डोमेन का, प्रोजेक्ट में रोल क्या है आपका, प्रोजेक्ट में आपका एक स्पेसिफिक रोल है या स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जिसपे आप काम करना चाहते हो वो है कि नहीं है। यूजली क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है या क्या नहीं, प्रोजेक्ट कौन से डोमेन से, हमें कुछ आइडिया नहीं होता। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे पर प्रोजेक्ट को हाँ कर देते हैं, ये सोच के कि चलो ठीक है डेवलपमेंट होगा या हमें ये जावा पे करना है या पाइथन पे करना है, और हम हाँ कर देते हैं। ऐसी गलती मैंने भी की थी मेरे पिछले प्रोजेक्ट में जो कि एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था। सो यूजली ये बात जरूर ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको कौन से प्रोजेक्ट करने हैं कौन से नहीं। देखो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट गलत नहीं होते, मेरे पिछले प्रोजेक्ट में भी डेवलपमेंट पोर्शन जरूर था बट वो मैं नहीं करना चाहता था। तो उसी तरह से ये होता है कि अगर आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ले रहे हो, उसके प्रेफरेंसेस क्या होंगे, वो क्या इम्पॉर्टेंट है आपके करियर में या नहीं, ये बात जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। साथ में आपका बैंकिंग हो गया या बैंकिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, बैंकिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। TCS में स्पेशली अगर बात करें तो बैंकिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। अगर आप प्रोजेक्ट ले रहे हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट तो नहीं है, क्या वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्या वो ऑटोमेशन पे है, क्या वो ITS डोमेन का कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपको सिर्फ लिनक्स के यूज़ करना है, ये सब पता होना बहुत ही जरूरत है। साथ में इसके अलावा और जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है पोर्शन, उसमें डेवलपमेंट पोर्शन कितना है, टेस्टिंग कितनी है, सपोर्ट कितना है, आप कौन सा रोल करने वाले हो, आप सपोर्ट कर रहे हो या आप डेवलपमेंट कर रहे हो या आप दोनों ही कर रहे हो। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ सपोर्ट ही सपोर्ट है, आपको ले तो लेते हैं डेवलपमेंट के नाम पे बट आपसे सपोर्ट ही कराते हैं मैक्सिमम ऑफ टाइम तक। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें आपको डेवलपमेंट भी करना होता है, साथ में साथ आपको टेस्टिंग भी करनी होती है या फिर डेवलपमेंट और आपको सपोर्ट करना होता है। देखो अगर आप डेवलपमेंट और सपोर्ट दोनों साथ में कर रहे हो तो बिल्कुल गलत नहीं है, मैं कभी नहीं कहता कि डेवलपमेंट और सपोर्ट गलत होता है। डेवलपमेंट और सपोर्ट बहुत सही है, एज अ फ्रेशर आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ ठीक है आप डेवलपमेंट में क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। साथ में टेक्नोलॉजी का जरूर ध्यान रखो कि आप जावा पे करना चाह रहे हो तो जावा पे प्रोजेक्ट है या नहीं, पाइथन पे करना चाह रहे हो पाइथन पे है या नहीं, तो ये सारी चीज़ों को जरूर ध्यान रखते हुए ही प्रोजेक्ट को हाँ बोलना चाहिए। कोई भी अगर आपके पास कॉल आ रहा है प्रोजेक्ट के लिए, आप पहले उनसे जो बेसिक चीज़ है वो ये जरूर पूछो कि प्रोजेक्ट है कौन सा, क्या नाम है प्रोजेक्ट का डोमेन कौन सा है, प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट है कि नहीं है, डेवलपमेंट है तो आपको करने को मिल रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से टेक पे काम कर रहे हैं, फिर उसके अलावा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही है कि हाँ आपको ये जरूर पता होना चाहिए कौन से लोकेशन का प्रोजेक्ट है, कहीं ऐसा ना कि काफ़ी दूर लोकेशन का प्रोजेक्ट हो और बाद में वो आपको बोले कि आपको उस लोकेशन पे आना है। तो ये भी काफ़ी लोगों के साथ दिक्कत है कि आपके प्रेफरेबल लोकेशन का प्रोजेक्ट है कि नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं गाजियाबाद में हूँ तो मुझे नोएडा का प्रेफरेबल लगता है तो मैं नोएडा के ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहूँगा रेदर देन बैंगलोर पुणे के मैं प्रोजेक्ट लेना चाहूँगा। तो ये सब आपको जरूर पूछना चाहिए शिफ्ट के बारे में या फिर जो कैब फैसिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें तो बहुत बेसिक चीज़ें वो हर किसी को पूछना चाहिए। तो देखो यार अगर कोई भी प्रोजेक्ट का कॉल आपके पास आता है तो ऐसा मत सोचना कि हाँ जस्ट हम काफ़ी दिन से बेंच पे, एक महीना बेंच पे हो गया, दो महीने बेंच पे, अगर हमने बिना सोचे समझे चलो ठीक है प्रोजेक्ट आ रहा है हमें ले लेना चाहिए, तो ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। आराम से सोच के समझ के प्रोजेक्ट में क्या रोल्स हैं, क्या आपकी क्या इंपॉर्टेंस है प्रोजेक्ट में, वो बात जरूर देखते हुए ही प्रोजेक्ट को हाँ करें। इस वीडियो में मैंने मोटा मोटा बहुत कुछ कवर कर लिया, आई होप इस वीडियो को आप समझे होंगे। मेरा जो बताने का पर्पस था कि कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपके मन में और कोई क्यूरी है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, और भी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, साथ में आप मुझे इंस्टा पे भी आके पूछ सकते हो। तो जैसे आप लोग मुझे अब तक सपोर्ट करते आ रहे हो, मोटिवेट करते आ रहे हो, प्लीज़ आगे भी करते रहो, उसी वजह से मैं आगे और ऐसी और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। करता हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड तब तक के लिए कीप वर्किंग।